गरीबी और भुखमरी के बीच जी रही पाक अवाम के लिए यह खबर अवाम को और भी ज्यादा परेशान करने वाली है और इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और जिनपिंग को जाता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली न्यूज में बताया था कि पेरिस में ऑनलाइन हुई FATF की बैठक में पाक को फिर से ग्रे लिस्ट में रखा गया है और इसका सीधा सीधा असर वहाँ की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है जो कि पहले ही पाताल लोक में पहुँची हुई है। सूत्रों की माने तो ग्रे लिस्ट में बरकरार रहने से हमारे पड़ोसी मुल्क को $25 अरब का नुकसान होने वाला है। पाक विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बताया था कि उनका हर साल करीब $10 अरब का नुकसान होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारा नल्ला पड़ोसी मुल्क जून 2018 से लगातार ग्रे लिस्ट में बना हुआ है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दिसंबर 2020 तक उसे 2.5 साल हो जाएंगे। ऐसे में यह तो साफ है कि हमारे पड़ोसी मुल्क को अपने पालतू कुत्तों के प्रति दिखाए गए प्यार की अब कीमत चुकानी पड़ेगी। एक तो पाक वैसे ही कर्ज के तले दबा हुआ है, वहीं दूसरा कोई भी देश पाक को कर्ज नहीं देना चाहता। ऐसे में $25 अरब का नुकसान इमरान खान के देश की कमर ही तोड़ देगा और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इमरान खान जिम्मेदार है। इमरान खान का चाइना और कश्मीर के प्रति प्रेम ने वहाँ की अर्थव्यवस्था को पाताल लोक में पहुँचा दिया है, क्योंकि चीन के द्वारा कर्ज के रूप में जो पैसे इमरान खान को मिलते थे वह उन पैसों को अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगाने की बजाय अपने पालतू कुत्तों की देखरेख में खर्च करता रहा और अब उसी का खामियाजा पाक अवाम को भुगतना पड़ रहा है। वहीं पाकिस्तान को अपना मित्र बताने वाले चीन ने FATF में पाकिस्तान का साथ न देकर इस $25 अरब के नुकसान पर मोहर लगा दी है। ऐसे में अब वहाँ की अवाम को ही अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि यदि अब आवाज नहीं उठाई तो आने वाले कुछ समय में भूख से वैसे ही आवाज निकलने बंद हो जाएगी।